विक्रम तो मस्त पढ़ा है ना? नहीं भाई नहीं पढ़ा, वो साइड में मंदिर है थोड़ा जाके ब्रेक किया। संतोष को थोड़ा थोड़ा याद करके लिखना है। तू संतोष सर को याद करना, मैं हनुमान जी को याद करूंगा, तू किसको याद करेगा? शिव जी को याद करूंगा। बढ़िया, विक्रम पूरा रेनकोट फोल्ड करते हुए और क्या। और एग्ज़ाम तो मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में हो रहा है, क्योंकि क्या इस लास्ट मंथ ही हमारा इंटरनल ख़त्म हुआ था और अभी ये मंथ में हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। मतलब Hey guys, it's me Harish Surya and welcome back to another vlog. Okay, so guys, आज का ये वाला vlog शुरू हो रहा है straight from जयपुर। Guys, time हो रहा है अभी कुछ 12:36 something। का vlog जयपुर से start इसलिए हो रहा है क्योंकि guys अभी आपके भाई का चल रहा है exam। तो exam तो मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी में हो रहा है, क्योंकि गाइस लास्ट मंथ ही हमारा इंटरनल ख़त्म हुआ था और अभी ये मंथ में हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी में स्टार्ट हो रहा है। एग्ज़ाम तो स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एग्ज़ाम स्किप करेंगे तो मतलब फेल होने का पक्का है। और आज भी फेल होने का पक्का ही लग रहा है, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं। कल रात को ही देखा था और मैंने जब बस में आ रहा था तभी थोड़ा बहुत देखा है, और जितना भी आएगा उतना ही लिख सकता हूँ और ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकता। गाइस हमारा एग्ज़ाम है कुछ 2 बजे और टाइम हो रहा है गाइस अभी 12:36। अरे मैं टाइम क्यों दिखा रहा हूँ, पहले भी तो दिखा दिया था ना गाइस। गाइस हमारा एग्ज़ाम है 2 बजे और मैंने मतलब 11 o'clock को यहाँ पर पहुँच गया था जयपुर में। 8 बजे के करीब निकला था उमरकोट से और यहाँ पहुँचा 11 बजे के करीब। और गाइस मैं 11 बजे से 12 बजे तक मतलब बस स्टैंड में ही घूम रहा था यहाँ वहाँ, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं था। फिर मैंने मतलब कॉल किया मेरे एक छोटे भाई को कि भाई आ जा थोड़ा पिक करने, क्योंकि अगर ऑटो में आता तो 50 रुपया लेता है गाइस वहाँ से यहाँ तक आने के लिए। सो मैंने सोचा पैसा को थोड़ा बचाना है, क्योंकि पैसा मैं कमाता हूँ तो पता है कितना मुश्किल होता है पैसा कमाना। सो मैंने भाई को बोला कि भाई तू पिक करने आ। सो आया 12:30 को और मैंने मुझे आके यहाँ पे छोड़ के गया। इसमें अभी हूँ एक मेरे एक रिलेटिव के घर में, क्योंकि वहाँ पर बस स्टैंड में तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकता था, क्योंकि बारिश हो रहा था और जो बारिश मतलब बैठने का जो सीट होता है वहाँ पर सब भीग चुका था। सो मैं फिर भीगना तो बिल्कुल नहीं चाहता, अगर भीगूंगा ना गाइस थोड़ा मतलब किच टाइप का फील होता है। सो मैं भीगना बिल्कुल नहीं चाहता था। बारिश तो मतलब हो रहा है कम रहा है। सो मतलब पूरा मतलब अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है गाइस, क्या ही बोलूँ। पहले सोचा था कि गाइस कि मैं मतलब घर से इंट्रो ले लूँगा, पर थोड़ा रस में था तो इंट्रो लेना ही टाइम पॉसिबल नहीं हुआ। सो मैं यहाँ के इंट्रो ले रहा हूँ और मैंने जो सिनेमैटिक्स डाला आप कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा। मैं तो हर बार बोलता हूँ कमेंट्स में बताना, पर आप बताते नहीं हो। प्लीज़ गाइस अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके ही जाना, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो पता चलेगा ना गाइस कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। मेरे जो दोस्त है रमेश और विक्रम, उन लोग आ रहे हैं मंजूड़ी से स्कूटी पे। उन लोग का आने का भी टाइम है, उन लोग 1:30 को यहाँ पहुँचेंगे। सो तब तक मैं थोड़ा वेट करूंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइर्ड हूँ। लंच करके फिर हम निकलेंगे एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम तो बोल देना, पर बोलने में ही कैसा लग रहा है गाइस, मतलब थोड़ा डर लग रहा है, पर मुझे लगता है मैं कर लूँगा। तो देखते हैं कर पाता हूँ कि नहीं। अभी हम नीचे जाते हैं गाइस, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उन लोग आने से आपको मिलाते हैं गाइस रमेश और विक्रम से। ओके सो गाइस अभी रमेश और विक्रम आ चुके हैं, उन लोग नीचे हैं, अभी नीचे जाते हैं गाइस, उन लोग से आपको मिलाते हैं। और सीढ़ी तो गाइस खतरनाक है, थोड़ा देख के चलना पड़ेगा क्योंकि पानी है, अगर गिरूंगा तो एकदम गया। गाइस नीचे जाते हैं और आपको मिलाते हैं। और कैसे? बढ़िया, विक्रम पूरा रेनकोट फोल्ड करते हुए और क्या। शर्मा मत विक्रम। नहीं ठीक है, अभी मैं सेट किया। ओके सो गाइस अभी हम आए हैं अपना लंच करने। और क्या खाएगा रमेश?
क्या खाएगा? क्या खाएगा? वेज मील्स। वेज मील्स तू क्या खाएगा भाई? वेज मील्स। मेरे को घर में बोल रहे थे कि भाई मतलब घर में ही खा, पर मैं होटल में आया क्योंकि दोस्त लोग आए, तो दोस्त लोग के साथ खाने का मजा ही अलग है। तो भाई से भी लंच करते हैं, फिर आगे का ब्लॉग कर लेते हैं। सुबह ही हमारा लंच आ चुका है, और लंच में राइस, दाल, फिर ये क्या है पता नहीं, फिर ये आलू, फिर ये है बैंगन दही, फिर ये प्याज, लेमन अचार, फिर ये क्या है रे पाम्पर। तो गाइस हमारा लंच वंच हो चुका है, हम आए हैं ये प्लेस में क्योंकि हमारा जब भी एग्जाम रहता है हम लंच करके यहीं पर आके बैठते हैं। और भाई कैसा लग रहा है बता, कुछ पढ़ा वड़ा है कि नहीं? पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ नहीं, थोड़ा डर सा लग रहा है क्योंकि समझ रहे हो? रहने दे भाई, तू तो रहने दे, ज्यादा हो जा रहा है क्योंकि ये सब जानते हैं कि कितना पवित्र है वो। शर्मा मत विक्रम, देख इस तरह दे। शर्मा शर्मा रहा है और क्या बोले उसे, वो एग्जाम के टेंशन में पढ़ा है लेकिन नहीं पढ़ा बोल रहा है, वो एग्जाम में दिखाएगा वो। और रेनकोट कहाँ रखेगा भाई? रेनकोट वहाँ ही रखेंगे, और जगह नहीं, वहाँ हेलमेट रखे हैं अंदर, तो अंदर रख नहीं पाएंगे तो उधर ही रखेंगे रेनकोट। और गाइस मैं तो कुछ नहीं पढ़ा हूँ, तुम लोग तो ज्यादा थोड़ा बहुत भी पढ़े हो, पर मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, सच बोल रहा हूँ। सिर्फ बस में आते समय ही थोड़ा, मतलब तू जो भेजा था ना नोट्स वही देखा। फिर भी तू पहले से थोड़ा मुलाकात है ना, वो तीन चार साल पहले पढ़ा था वो, अब फिर भी थोड़ा थोड़ा देखने से याद होगा तेरे को। और गाइस याद करके लिखना है, थोड़ा सर संतोष को थोड़ा थोड़ा याद करके लिखना है। तू संतोष सर को याद करना, मैं हनुमान जी को याद करूंगा, तू किसको याद करेगा? शिव जी को याद करूंगा। और गाइस पढ़ा वड़ा तो ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, अभी देखते हैं एग्ज़ाम कैसे जाता है, क्योंकि मतलब एग्ज़ाम तो स्किप नहीं कर सकते गाइस। और लंच वंच भी थोड़ा अच्छे से खाया। अभी गाइस टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा, दो बजने को है हा? और गाइस सब्जेक्ट सब्जेक्ट है आज हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स, और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो 25 तारीख को है, आज है 20 तारीख, और ये ब्लॉग कल तक ही आ जाएगा क्योंकि अभी संडे को भी व्लॉग डालना है, और मैं अभी जाते समय बस में एडिट करके कल सुबह अपलोड कर दूंगा। टाइम तो हो चुका है, अभी निकलते हैं एग्जाम देने के बाद, मिलते हैं फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं गाइस। ओके सो गाइस हमारा एग्जाम फाइनली हो चुका है ख़त्म, और टाइम हो रहा है गाइस कुछ 4 एक्चुअली नहीं बजा है, हमारा टाइम तो 5 बजे के पास था, मतलब 5 बजे एंडिंग टाइम था एग्ज़ाम का, पर हम बहुत जल्दी आ गए क्योंकि हमने मतलब कुछ 3 क्वेश्चन अटेंड किया मैंने, और जल्दी आ गए। और भाई तू कैसा लिखा बता? लिखे तो हैं भाई सब, लेकिन देने वाले के ऊपर डिपेंड है, और लिखे तो हम पूरा जोर से हमारा क्या बोलते हैं। तू किसको याद करके लिखा? बोले शंकर को। तू किसको रे? मैं सर संतोष को। मैं बजरंग बली को गाइस। गाइस अभी हमारे ये भाई लोग निकलेंगे, कितना बजे तक पहुंच जाओगे भाई दामन जोड़ी? मतलब 5:30 से हो जाएगा जाने के लिए, क्योंकि हमारा सेबलीगुड़ा में भी कुछ काम है, तो बारिश बस ना हो तो हम आराम से चले जाएंगे। बारिश हुआ तो हम रुकेंगे बीच में, थोड़ा ब्रेक लेंगे, वरना डायरेक्ट जाएंगे। गाड़ी कैसे एक्सचेंज करते हो कि एक ही जन पूरा चलाता है? एक्सचेंज होता है बीच में। विक्रम तो पूरा प्रो राइडर है ना। गाइस अभी इन लोग को अलविदा कह देते हैं क्योंकि इनका भी टाइम हो रहा है और मेरा भी थोड़ा सा काम है, सो बाय बाय, मिलते हैं। ठीक है तो फिर मिलते हैं, और 25 तारीख को नेक्स्ट एग्जाम के लिए। हाँ 25 तारीख हमारा नेक्स्ट एग्जाम है, अच्छे से पढ़ के आना, आज के जैसा बिना पढ़े मत आना मेरे जैसे। तुम लोग तो पढ़े होगे भाई? कहाँ भाई नहीं पढ़े, पड़े होते तो ऐसे मुंह लटका के बैठे होते क्या? हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा घर छोड़ दे, फिर हम आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं गाइस। ठीक है भाई, मिलेंगे 25 तारीख को नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है विक्रम, अच्छे से पढ़ाई कर बेटा, घुमा घूमी मत कर ज्यादा। ठीक है चलते हैं। ओ
ओके सो गाइस अभी कहानी ये कि विक्रम और रमेश चले गए अपने अपने घर एंड टाइम हो रहा है गाइस अभी ऑलमोस्ट 6:15। गाइस मेरा जितना भी काम था वो तो मैंने ख़त्म कर लिया, मतलब थोड़ा सा ही काम था जो कि मैं किसी और ब्लॉग में बोलूँगा क्या काम था, वो अगर हम वो चीज़ लेंगे तो ब्लॉग बनाएंगे, वो काम था मैंने कम्प्लीट कर लिया। मेरा पहले प्लानिंग था कि बस में जाऊँगा पर बस में अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि मम्मी लोग कहीं मतलब मालकानगिरी तरफ कोई फंक्शन था उधर गए थे, अभी आ रहे हैं मैं उनके साथ ही जाऊंगा कार पे। व्लॉग को यहीं तक रख और गाइस प्लीज 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 बोल रहा हूँ कमेंट करके ही बताना कि कमेंट करना कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। उतना तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया क्योंकि कॉलेज के अंदर मैं वीडियो बनाने का सोच रहा था पर मैंने बाद में सोचा कि नहीं बनाते क्योंकि थोड़ा सा मतलब इशू रहता है। आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करके ही जाना, अगर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना क्योंकि मैं यूट्यूब का जितना भी अपडेट होता है सारा इंस्टाग्राम पे देता हूँ, सो अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो गाइस। एंड आज के लिए बस इतना ही, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, सो टिल देन कीप लविंग एंड सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।